नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी सैम्पलिंग कैसे करना है। ये कॉइन एक्सेप्टर मॉड्यूल है CS616 और BL616। सो मैं बेसिकली 616 कॉइन एक्सेप्टर मॉड्यूल है, तो इसे कैसे सैम्पलिंग करना है, आपके कॉइन के लिए कैसे सेट करना है, मैं आपको आपको आज बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले जो है चार सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। ई नंबर, ई मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर हम ले रहे 1 2 3 4 5 6 कॉइन ले रहे हैं, तो 6 कॉइन है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉइन्स है हमें ये 6 सेट करना है। और ये एच फॉर सैम्पलिंग होता है कि नंबर ऑफ सैम्पलिंग कितना करना है। तो हम हर एक का सैम्पलिंग जो है 15 टाइम्स करने वाले हैं। तो एच की जो वैल्यू है हमें 15 सेट करनी है। उसके बाद में होता है पी फॉर पल्स। अभी पल्स के लिए जो है हर एक अलग कॉइन के लिए हम अलग अलग पल्सेस सेट करेंगे। जैसे 1 रुपये का कॉइन है, एक पल्स सेट करेंगे। ये दो कॉइन दोनों भी 2 रुपीज़ के है, तो इसे 2 पल्स सेट करेंगे। ये 5 रुपीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कॉइन है, इसे 5 सेट करेंगे दोनों को। और इसे 10 रुपीज़ का कॉइन है, तो हम इसे 10 सेट करेंगे। ओके, तो यहाँ जैसे कि जो पी की वैल्यू है, पल्स की वैल्यू हम हर एक कॉइन के लिए सेट करने वाले। जैसे यहाँ पर जो है 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो हम यहाँ पर जो पी वन की वैल्यू जो सेट करेंगे 1 रुपीज़ 1 पल्स। और ये जो 2 और 3 नंबर का कॉइन है, जैसे पी टू और पी थ्री, इसको हम करने वाले हैं 2 पल्सेस, बिकॉज ये 2 रुपये का कॉइन है। अब ये पी थ्री वाला जो कॉइन डालने वाले, 3rd नंबर का कॉइन, ये भी 2 रुपीज़ वैल्यू का है, इसलिए हम इसे भी सेट करेंगे 2 रुपीज़। तो जितना रुपीज़ का कॉइन रहेगा उतना पल्स सेट करने वाले। जैसे अब ये 4th नंबर का कॉइन है, तो ये पी फोर रहेगा 4th नंबर का, इसे सेट करेंगे हम 5, बिकॉज ये 5 रुपीज़ का कॉइन है। अब ये 5th नंबर का कॉइन है P5, तो इसे भी सेट करेंगे हम 5। और ये लास्ट वाला जो कॉइन है P6, तो इसे हम P6 की वैल्यू जो सेट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 10। तो इस प्रकार से जो है P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 की वैल्यू रहने वाली है। रिमेनिंग जो H की वैल्यू, जैसे H1 की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 15, हर एक के लिए जो है H2 की वैल्यू 15 है, सारे कॉइन के लिए 15 में सैम्पलिंग रहेगा। तो हर एक कॉइन के लिए सैम्पलिंग वैल्यू 15 ही रहने वाली है। जैसे H1, H2 ये 15 रहेगा, H3 भी 15 रहेगा, H4 भी 15 रहेगा, H5 भी 15 रहेगा, और H6 भी ये रहेगा 15। तो 15 ये वैल्यू हर एक के लिए सेम रहने वाली, H वाली वैल्यू पल जो सैम्पलिंग की है। पल्स की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी। इसके बाद में एक्यूरेसी रहेगी, F फॉर एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी भी हर एक के लिए सेम रहने वाली, F की वैल्यू सेट करनी है 8, F1, F2 की भी वैल्यू सेट करनी है 8, F3 की भी वैल्यू सेट करनी है 8, F4 की वैल्यू सेट करनी है 8, F5 की वैल्यू भी सेट करेंगे 8, और F6 की वैल्यू भी सेट करेंगे जो है 8। तो हर एक की जो वैल्यू जो है हम ये फिक्स रहने वाली, H1 से लेकर H6 तक 15 रहेगी, F1 से लेकर F6 तक ये रहेगी 8 वैल्यू। सिर्फ अपने चेंज होने वाली हमारे वैल्यू 1 पल्स की वैल्यू 1 2 2 5 5 और 10, क्योंकि हम वो कॉइन यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम पल्स की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये कॉइन एक्सेप्टर मॉड्यूल है। सबसे पहले हम जब सैम्पलिंग करेंगे, जैसे ये कॉइन एक्सेप्टर मॉड्यूल स्टार्ट किया है, तो जैसे हमें ये वैल्यू सेट करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे ई की जो वैल्यू है, हमें 6 कॉइन हम यूज़ कर रहे हैं, 6 कॉइन, इसलिए हम ये 6 लेंगे। अगर आप 4 कॉइन यूज़ कर रहे हो तो 4 सेट कर लेना ई की वैल्यू, या फिर 2 कॉइन यूज़ कर रहे हो तो 2 सेट करना है। तो अभी 6, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ई की वैल्यू यहाँ पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग में जाने के लिए ऐड और माइनस बटन है, और यहाँ पर सेट बटन है। तो यहाँ पर जो है हम सेट करने वाले ये सारे वैल्यूज़, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर है ऐड बटन, माइनस बटन और सेट बटन। तो सबसे पहले सेटिंग करने के लिए हम करेंगे ऐड और माइनस, ये दोनों बटन प्रेस करके रखेंगे। आपको यहाँ पर ए शो होगा, ए को हम एक बार सेट बटन पर क्लिक करेंगे, ई की वैल्यू आएगी। तो ई की वैल्यू हमें सेट करनी है 6 सेट करनी है ई की वैल्यू, तो 6 सेट करनी है। तो अब यहाँ पर ऐड बटन दबाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम ये 6 सेट करेंगे ई की वैल्यू, क्योंकि हम 6 कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको करेंगे सेट। अभी सबसे पहले आ रहा है अपना H1 का वैल्यू सेट करना है, तो H1 हमें सेट करना है 15, ठीक है। तो H1 आया है, तो हम ये ऐड बटन प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। तो ये वैल्यू जैसे ही 15 सेट किए, तो इसको सेट बटन प्रेस करना है, तभी पूछेगा P1 की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू हमें सेट करना है अभी 1 सेट करना है, क्योंकि हम P1 के लिए 1 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे, ऐड बटन करेंगे 1, और इसको सेट कर देंगे सेट। इसके बाद में पूछ रहा है F1 की वैल्यू, तो F1 कितना सेट करना है हमें, 8 सेट करना है। तो ये F1 8 सेट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे बाद में सेट करना है। तो हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी P1, H1 और F1 ये वैल्यू सेट किए। अभी हमें P2, H2, F2
P3, H3, F3 ऐसे वैल्यू सेट करना है। तो यहाँ पर हमने टोटल लिख के लिया है क्या क्या वैल्यू हमें सेट करना है। तो अभी H2 की जो वैल्यू रहने वाली है 15, तो यहाँ पर H2 की वैल्यू हम 15 अगेन सेट करेंगे। ठीक है, ये 15 सेट हुआ। उसके बाद में इसे करेंगे सेट। सेट करने के बाद P2 की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर हमें सेट करना है 2। इसे करेंगे फिर से सेट बटन। F2 की वैल्यू यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर हम सेट करेंगे 8। तो इसी तरह से सारे कॉइन को जो है सेट करना है। अभी H3 ये हो गए, अपने तीनों भी ब्लॉक हो गए। अभी ये हमें करना है H3। H3 की वैल्यू है 15, तो यहाँ पर सेट करेंगे 15। ये सब करेंगे सेट। जैसे यहाँ पर P3 की वैल्यू है, P3 की वैल्यू हम सेट करेंगे 2, इसे करेंगे सेट। अभी F3 की वैल्यू रहेगी, F3 की वैल्यू हमें सेट करना है 8, इसे करेंगे अगेन सेट बटन दबाएंगे। अभी फिर H4 की वैल्यू सेट करनी है, तो H4 हम सेट करेंगे 15। बाद में P4 की वैल्यू सेट करेंगे, तो P4 चाहिए 5, ऐसे करेंगे सेट। F4 की वैल्यू चाहिए 8, सेट कर देंगे। H5 की वैल्यू है 15, इसे करेंगे सेट। और P5 की वैल्यू हमें चाहिए 5, तो इसे 5 सेट करेंगे 5। इसके बाद में F5 की वैल्यू चाहिए 8, ये सेट करेंगे 8। उसके बाद में H6 की वैल्यू चाहिए 15, इसे करेंगे सेट। P6 की वैल्यू यहाँ पर है 10, क्योंकि हम 10 रुपीज़ का कॉइन डालेंगे, तो P6 को करना है 10 सेट। 10 सेट करेंगे, इसके बाद इसे करना है सेट। F6 की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर जो है सेटिंग अपनी ख़त्म होती है। F6 की वैल्यू हमने 8 डाल दिया, यहाँ पर जैसे सेट कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये मॉड्यूल जो है सारा जो ये सेटिंग हमने जो है कर दिया है कॉइन के हिसाब से। अभी इसके बाद में जो आखिरी का स्टेप अपना बचता है वो होता है कॉइन सैम्पलिंग। तो कॉइन सैम्पलिंग करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट वाला हम P1 जो भी रहेगा, तो फर्स्ट वाला कॉइन ये सैम्पल करेंगे, सेकंड कॉइन ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पर जो है 2 रुपीज़ के अलग अलग हमने 2 कॉइन लिए हैं। जब भी ये 2 कॉइन आएगा तो 2 ही पल्स मिलने चाहिए। ये 5 रुपीज़ के अलग कॉइन लिए हैं, तो जब भी ये 5 रुपीज़ आएंगे तो 5 पल्सेस ही अपने को मिलने वाले हैं, और 10 रुपीज़ का कॉइन आया तो 10 पल्सेस मिलने वाले हैं। तो वही हिसाब से हम सेट करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम कॉइन सैम्पल करने के लिए सबसे पहले लॉन्ग प्रेस करेंगे। जो सेट बटन है यहाँ का सेट बटन है, इसे करेंगे हम लॉन्ग प्रेस। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर ए आएगा, उसे और एक बार हम सेट बटन पर क्लिक करेंगे तो A1 आएगा। तो A1 पर हम कॉइन डालेंगे, वह है फर्स्ट नंबर का कॉइन डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कॉइन हम सैंपल करेंगे 15 टाइम्स। यहाँ पर जो है 15 टाइम्स हम कॉइन सैंपल करेंगे। ठीक है, तो जैसे A1 का कंप्लीट हो गया अपना एक कॉइन सैम्पलिंग, तो यहाँ पर सेकंड वाला LED लगेगा और यहाँ पर A2 लिख के आएगा। तो A2 जब भी आएगा तो हमें सेकंड वाला कॉइन लेना है। सेकंड वाला कॉइन हम लेंगे और इसे सैंपल करेंगे 15 टाइम्स, क्योंकि हमने जो सैंपल जो सेट किया था वो 15 सेट किया था। ठीक है, तो अभी ये जो है A3 कॉइन आएगा। A3 कॉइन आने के बाद यहाँ से जो है हम थर्ड वाला कॉइन लेंगे, यहाँ से थर्ड वाला कॉइन डालेंगे। ठीक है, तो ये जो है तीसरा कॉइन जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी डालेंगे हम फोर्थ नंबर का कॉइन, जो है फोर्थ नंबर का A4 लिख रहा है, फोर्थ वाला LED लगेगा। तो ये कॉइन हम डालेंगे 15 टाइम्स।
ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया 15 टाइम्स, तो ये हो गया फोर्थ नंबर का। अभी लेंगे हम फिफ्थ नंबर का कॉइन, फिफ्थ नंबर का कॉइन हम सैंपल करेंगे 15 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 15 टाइम्स जो है फिफ्थ नंबर का हमने कॉइन कर दिया है। अभी लास्ट कॉइन बचता है 10 रुपये का, वो हम 15 टाइम्स सैंपल करेंगे। अभी ये जो है 15 टाइम्स, ये जो है सिक्स नंबर का कॉइन भी अपना सैंपल हो चुका है। तो जैसे ये 6 के 6 कॉइन हमने सैंपल कर दिया है, तो हम चेक करेंगे कि ये हमने सेटिंग्स भी किया है, जैसे जो वैल्यूज रहेगा कॉइन उसके हिसाब से पल सेट किया है, और उसके हिसाब से जो है हमने सैम्पलिंग भी किया है। तो आप जब भी हम ये ऑन करेंगे कॉइन डालेंगे, तो हमें चेक करना है कि अपने वैल्यू जो है पल्सेस आ रहे हैं। जैसे अब मैं 1 रुपये का कॉइन डालूंगा, तो आपको 1 पल्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 1 रुपये में 1 पल्स दिखेगा। जैसे अब मैं 2 रुपीज़ का यहाँ का जो कॉइन डालूंगा, 2 रुपीज़ का जब भी कॉइन डालूंगा, तो आपको दिखेगा 2 रुपीज़ का कॉइन है, तो 2 पल्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सेकंड वाला कॉइन भी मैंने सैंपल किया, तो ठीक है। तो अभी जैसे आपका 1 रुपये का कॉइन मैंने डाला, ठीक है, तो 1 रुपये दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 पल्स मिल रहा है। अभी मैं सेकंड वाला कॉइन सैंपल करूंगा, तो यहाँ पर दिखेगा 2 पल्स आ रहे हैं अपने को, क्योंकि ये 2 रुपये का कॉइन है, तो 2 पल्स आ रहे हैं। तभी थर्ड वाला कॉइन को भी हमने 2 रुपीज़ सेट किया है, क्योंकि ये 2 रुपीज़ का डिफरेंट साइज है। तो जैसे मैं 2 डालूंगा, तो यहाँ पर डालूंगा, ये भी 2 रुपीज़ दिखा रहा है। तो इस तरह से ये 2 कॉइन, जब भी कोई भी कॉइन आएगा, साइज डिफरेंट है, पर ये कॉइन जब भी आएगा तो 2 रुपीज़ ही मिलेगा। अभी ये 5 रुपीज़ के अलग अलग 2 कॉइन है। मैं फोर्थ नंबर का कॉइन डालूंगा, तो आपको दिख रहा है 5 कॉइन्स यहाँ पर दिख रहा है, 5 कॉइन्स आपको दिख रहा है। मतलब क्या है कि ये हमने इसको 5 सेट किया है, तो जब भी ये कॉइन आएगा तो 5 पल्सेस मिलेंगे। अभी ये भी 5 रुपीज़ है, लेकिन डिफरेंट साइज का कॉइन है, लेकिन हमने इसे भी सैंपल किया है, तो ये भी कॉइन आएगा तो 5 रुपीज़ ही आपको दिखेगा। तो ये दोनों भी 5 रुपीज़ सेट किया। अभी जो लास्ट वाला कॉइन है वो है 10 रुपये का। अभी 10 रुपये का हम कॉइन इंसर्ट करते हैं, तो आपको दिखेगा कि 10 रुपीज़ का यहाँ पर पल्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब भी हम कॉइन डालेंगे तो आपको 10 रुपये। तो ये हिसाब से आप कॉइन सैंपल कर सकते हैं। आपको जो कॉइन यूज करना है वो कॉइन, उसके पल्स हम सेट करके कौन सा कॉइन आने के बाद कितने पल्सेस मिलना है, हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कंट्रोलर बोर्ड है, जैसे कॉइन एक्सेप्टर का कंट्रोलर बोर्ड है, यहाँ पर जो है 4 रिले है, तो हर एक कॉइन के लिए अलग अलग रिले हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपली हम टाइमर सेट करने वाले हैं। तो जैसे भी अभी फर्स्ट नंबर का रिले, मतलब जब भी फर्स्ट वाला कॉइन आने वाला है, तो 1 पल्स आने वाले हैं फर्स्ट वाला रिले, तो उसका हम टाइमर यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10, 11, 12, 13, ये सेकंड्स में वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसे अगर रीसेट करना है तो ये लॉन्ग होल्ड प्रेस करना है, तो ये रीसेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 सेकंड सेट कर रहा हूँ, जब भी मेरा 1 रुपये का कॉइन आएगा, ठीक है, तब 4 सेकंड तक मेरा जो है रिले ऑन होना चाहिए। उसके बाद में अभी सेकंड वाला जो है ये है 2 पल्सेस के लिए, सेकंड वाला 2 पल्सेस के लिए। तो जब भी 2 पल्सेस आएंगे, तभी मेरा जो है अलग जो दूसरा रिले है वो चलेगा 6 सेकंड के लिए। जो यहाँ पर रिलेज हमने दिए हैं, इसके हिसाब से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिले आपका ऑपरेट होने वाले हैं। तो सेकंड वाला जो जब भी कॉइन आएगा आपका, ये 2 कॉइन जब भी आएंगे, तो 6 सेकंड तक रिले ऑपरेट होने वाला है। उसके बाद में जो थर्ड जो है ये है कॉइन के लिए, थर्ड कॉइन के लिए, जो कि 5 रुपीज़ का है। तो जब भी 5 रुपीज़ का कॉइन आने वाला है, तो हम सेट करेंगे फॉर एग्जांपल उसको 2 सेकंड्स के लिए हम सेट करेंगे। 5 रुपीज़ का कॉइन आएगा तो 2 सेकंड ऑपरेट होना चाहिए, जो है थर्ड नंबर का रिले रहेगा, 3 मीन्स थर्ड। और लास्ट जो फोर्थ नंबर का रिले है, वो फोर्थ यहाँ से सेटिंग होगा। तो फोर्थ नंबर के लिए हम अगेन जो है 10 सेकंड्स का टाइम सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है टाइम सेट कर दिया है, जैसे जो कॉइन आएगा उसके हिसाब से वो रिले ऑपरेट होने वाला है। तो फर्स्ट रिले 5 सेकंड, सेकंड रिले 6 सेकंड, फिर 2 सेकंड एंड 10 सेकंड, ऐसे हमने सेट किया है। तो यहाँ पर अभी जब भी मैं फर्स्ट वाला कॉइन डालूंगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे मैं एक कॉइन डाल रहा हूँ, तो C इज इक्वल टू 1, और P1 वाला जो है अपना जो है रिले वो ऑपरेट हो चुका है फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद वो रिले ऑफ हो गया है। अभी मैं सेकंड जो कॉइन यहाँ से ऑपरेट करूंगा, सेकंड कॉइन डालूंगा, तो यहाँ पर दिखेगा 2 नंबर का कॉइन रिसीव आया है, और P2 जो सेकंड नंबर का रिले ऑपरेट हुआ है फॉर 7 सेकंड, 7 सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में ये भी जो है, ये भी 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये भी जो है P2 रिले ऑपरेट होगा अपना, और वो चलेगा अप टू द 7 सेकंड, और 7 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा।
ठीक है। अब ये जो है हमने 5 रुपीज़ का कॉइन डालेंगे, तो 5 रुपीज़ के लिए P3 ऑपरेट होगा अपना। तो जैसे 5 पल्सेस हमें मिले हैं और P3 ऑपरेट हुआ है फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से ये ऑपरेट हो गया। तो यहाँ से जो है अभी हम लास्ट वाला देखेंगे कि जो है 4P4 वाला लास्ट वाला हम यहाँ पर डालेंगे कॉइन। जैसे 10 पल्सेस आ गए, P4 वाला जो है अपना रिले ऑपरेट हुआ है फॉर 10 सेकेंड के लिए ऑपरेट होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो जैसे आप हर एक रिले का टाइमिंग जो है अलग अलग सेट कर सकते हो, तो यह जो है यहाँ से आप टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट रिले का टाइमिंग यहाँ से, सेकंड रिले का टाइमिंग यहाँ से, थर्ड रिले का टाइमिंग और यहाँ से फोर्थ रिले का टाइमिंग। तो इसी तरह से आप ये टाइमर बोर्ड पर सेट रिले टाइमिंग चेंज कर सकते हो। और यहाँ से जो भी कॉइन आएगा 5 रुपीज़ का कॉइन के लिए, ये जो है यहाँ पर आपका दिखेगा ये P1, ये P2, ये दोनों भी ये रहेगा, P3 ऑपरेट होगा और ये ऑपरेट होगा P4 इस केस के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑपरेट होने वाले हैं। तो आप जो है हर एक रिले का अलग अलग टाइमिंग आप सेट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4। तो जो कॉइन आएगा उसके हिसाब से आपका टाइमर ऑपरेट होने वाला है।